राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार और कुनबे दोनों को बचाने में जुटी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से खफा चल रहे सचिन पायलट अभी तक नहीं माने हैं। अब खबर है कि सचिन पायलट की ओर से कांग्रेस आलाकमान के सामने तीन मांगे रखी गई है और इनमें से दो पदों पर कांग्रेस राजी होती हुई दिख भी रही है। मंगलवार को एक्ट्रेस रेखा के सिक्योरिटी गार्ड को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद रेखा के बांद्रा स्थित बंगले के कुछ हिस्से को सील किया गया। ठीक एक हफ्ते के अंदर अब सिक्योरिटी गार्ड के पास चार और लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर होने से रेखा का कोविड टेस्ट भी अभी तक नहीं हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भगवान राम मंदिर पर दिए गए बयान से अयोध्या संत भड़के हुए हैं। रामदल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामदास महाराज ने कहा कि आज नेपाल में उनके शिष्य ओली के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। वेद और पुराण में वर्णन का जिक्र करते हुए रामदास महाराज ने कहा कि नेपाल में सरयू है ही नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक महीना हो गया है। एक्टर निधन पर जहां उनके घर वाले और करीबियों को झटका लगा था, वहीं सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी शॉक थी। सुशांत के मौत के बाद अंकिता उनके घर भी गई थी। आज एक्टर के निधन के एक महीने के बाद अंकिता भगवान का नाम लेकर अपना पहला पोस्ट किया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,59,383 और कुल मौत 2,482 हुई है। पिछले 24 घंटों में यहां 6,497 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और 193 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में कुल 1,05,637 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 4,182 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। क्रीड़ा युवक सेवा संचालय पुणे एवं जिला क्रीड़ा संकुल नागपुर की ओर से पारशिवनी शहर में प्रतिभावंत खिलाड़ियों के लिए 5 एकड़ की जगह में बीचों बीच क्रीड़ा संकुल तैयार किया जा रहा है, परंतु यहां के स्थानीय क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से शहर में क्रीडांगन की मांग सालों से की जा रही थी, इसलिए यहां के धोधरा रोड पर 5 एकड़ जगह मुहैया की गई है। यहां पर 7,00,000 रुपए खर्च करके यहां का सपाटीकरण किया गया था। यहां पर भव्य क्रीड़ांगन तैयार किया जा रहा है। मनपा में सत्ता पक्ष और अधिकारियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए रविवार को मनपा के कर्मचारियों ने कलमबंद आंदोलन किया था। वहीं एक मामले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने संविधान चौक पर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मनपा में भ्रष्ट अधिकारियों की कमी नहीं है। प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले जनरल श्रेणी के होनहार छात्रों को फीस सहूलियत की राज्य सरकार की घोषणा के बावजूद परेशानियां झेलनी पड़ रही है। फीस का एक हिस्सा राज्य सरकार अदा करने वाली थी, वह वक्त पर अदा नहीं होने से निजी मेडिकल कॉलेज छात्रों को पूरी फीस भरने को कह रहे हैं। ऐसे में परेशान छात्रों ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की शरण ली है। कोरोना वायरस पर दो देशों में स्टडी हुई है, दोनों के नतीजे लगभग एक जैसे हैं। यह नतीजे आने वाले दिनों में कोरोना से राहत मिलने की उम्मीद को तोड़ने वाले हैं। पहले स्टडी स्पेन में हुई तो दूसरी ब्रिटेन में। दोनों स्टडी में यह सामने आया है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीज कुछ ही समय में अपनी इम्यूनिटी को खो देते हैं, यानी उनको दोबारा संक्रमण होने का खतरा पैदा हो जाता है। तहसील पुलिस थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान धानखेड़ा परिसर में कुछ लोग संदेहास्पद स्थिति में दिखाई दिए। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है तो एक फरार है। आगे की जांच तहसील पुलिस कर रही है।